चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में सेट नंबर 2 की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, ये टॉप 10 क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन के अगर आप जवाब दे सकते हैं तो शायद आप आरआरबी में सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेट नंबर 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था कि आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तो और सारे मित्रों का हमारा जो जवाब था वो सही था, कुछ मित्रों ने इसका गलत भी जवाब दिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। आपको ऑप्शन में दिया था 2, ऑप्शन बी में दिया था 3, सी में दिया था 4 और डी में दिया था 5। तो दोस्त अगर चक्रण क्वांटम संख्या के मान के बारे में बात करें तो आप याद रखिएगा केवल चक्रण क्वांटम संख्या के लिए केवल 2 ही मान पॉसिबल हैं, राइट। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और आपके सामने हमारे बेहतरीन क्वेश्चन इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। गाइस आप अगर इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट करिए, और देखिए ऑप्शन सुनिएगा 3/R, बी में दिया है R/3, सी में दिया है 3R और डी में दिया है R³। आप इसका इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं देखिए इसको आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं, 1/R=1/R1+1/R2+1/R3। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3, यानी स्मॉल आर प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है कि आपको प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। इसका क्वेश्चन का देखिएगा आप जवाब कैसे देंगे, 1/R=2 हो जाएगा, R1 R2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, R1+R1+R1, ठीक है। स्मॉल R1 1/r1+1/r1+1/r1, ठीक है। जब आपका अगर हर समान होता है तो आपका एलसीएम भी वही होगा, और ऊपर वाला क्या करते हैं हम लोग जब ये समान है आप जब इसको एडिशन करिएगा तो 1+1, ठीक है, 1+1+1 हो जाएगा =1/R। अगर बात करें दोस्त यहां पे हो जाएगा ये 3/R, क्या हो जाएगा 3/R=1/R। अगर बात करें हम लोग R की तो ये हो जाएगा हमारा R/3। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, R/3। उसी क्रम में आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, जो लोलक होता है उसकी काल अवधि जो पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समय के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और इसका आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। देखिए जैसे कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए और सोचिए, आप बचपन में झूला झूले होंगे, जितना लंबा हम लोग झूले की रस्सी करते थे उतना ही ज़्यादा क्या करते थे हम लोग दूर तक जाते थे, वहीं पे सेम कंडीशन यहाँ पे वहीं लगेगा कि अगर जितने लोलक की लंबाई होगी उस वह क्या करेगा उतना ही क्या करेगा दोलन करेगा, अर्थात जो लोलक की काल अवधि होगी तथा टाइम पीरियड होगी उस किस पे निर्भर करेगी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 100% सिलेक्शन है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है बहुत कॉन्सेप्ट, इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। आप ऑप्शन सुनिए, फर्स्ट है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे सी में देखिए आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे
कि जल के आयतन का, तो जल का आयतन सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगर आपसे पूछे कि जल का आयतन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है तो क्या होगा, तो पहले आयतन क्या होगा, पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले आयतन क्या होगा, घटेगा, इसके बाद बढ़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, आपसे दिया है ताप की, बी ऑप्शन में दिया है दाब की, सी में दिया है विद्युत धारा की, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, अगर पास्कल अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप ये देखिएगा, P इक्वल टू होता है F अपॉन A, अर्थात दाब क्या कहते हैं कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, कहते हैं ना। तो यहां से अगर एक और दाब की मात्रक की बात करें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ए यहां पे एरिया होता है, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर यहां से बात करें एक और मात्रक की दाब की, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर कभी ऑप्शन में आपको ये भी दे दे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए पॉजिट्रॉन, बी में दिया है प्रोटॉन, सी में दिया है अल्फा पार्टिकल्स, और डी में दिया है बीटा पार्टिकल्स। दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पॉजिट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है क्या होता है, पॉजिट्रॉन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग, विषाणुओं में होता है, बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, बी में दिया है केवल आरएनए, सी में दिया है आरएनए और डीएनए दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आरएनए और डीएनए दोनों। अब देखिए इसी क्रम में आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि खुजली का रोग या इसके बीज का कारण निम्नलिखित में कौन सा है। अगर कभी आपको क्वेश्चन में खुजली ना देकर आपको क्या दे दे, इसके बीज, तो इसके बीज का मतलब यही होता है खुजली, ठीक है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते कि अगर खुजली का रोग या इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, जीवाणु, बी दिया है कवक, सी दिया है सूक्ष्म कीट, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप्स के आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका बी, कवक, राइट। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा सा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको भार दे दिया है, भार क्या दिया है 29.4 न्यूटन, अर्थात W कितना दिया है आपको 29.4 न्यूटन, और आपसे पूछ कर रहा है उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए आपसे मास पूछ रहा है W इक्वल टू 1। अब देखो जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला, W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी, ठीक है। अब यहां से हम लोग अगर फाइंड करने की बात करेंगे W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी, तो यहां से देखो 29.4 इक्वल टू M इंटू 9.8, ठीक है। तो अगर यम की बात करेंगे तो यम इक्वल टू हो जाएगा 29.4 अपॉन 9.8, जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 3 हो जाएगा, तो यम कितना हो जाएगा हमारा 3 kg, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 kg, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए इसमें दिया है करनाल बट एक बीमारी है धान की, बी में दिया है मटर की, सी में दिया है राई की, और डी में दिया है गेहूं की, तो आपका करेक्ट आंसर होगा गेहूं की। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब एक वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, समान रहती है, डी 3 गुनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो इस क्वेश्चन का दोस्त
करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है के इक्वल टू होता है 1/2 mv2। अगर हम क्या करते हैं, वेग दोगुना कर देते हैं तो हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होता है, 4 गुनी हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा और कल इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी है, लोहे का भार जल से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लोहे का घनत्व तो जल से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पारा जल से भारी होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्त आप कल दीजिएगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जरूर इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो एक बार जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।